तो गाइस अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड मैंने कुछ ऐसा ब्लैक का कॉम्बिनेशन पहना है एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाकी सबको। और उसके पहले मैं दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एंकल वाले शूज़ पहने हैं, क्योंकि आप शूज़ पहनोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा कम्फर्टेबल होगा, क्योंकि हमें चढ़ाई पर चढ़ना है। मैंने जहाँ तक सुना है कि वो मतलब सीधी खड़ी चढ़ाई होती है, बंदा मतलब मीन्स वॉक करके ही जाना है। तो तो गाइज आप चाहें तो हेलीपैड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तभी आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि रिहर्सल स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस ये जो मैं आपको कार्ड दिखा रही हूँ, ये रजिस्ट्रेशन होता है कि कितने जो आदमी है उन्होंने एंट्री की है, ताकि मालूम हो कि कितने आदमी जा चुके हैं। सो इसलिए ये आपको दिया जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हैं। जितने ये हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग को जाना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हैं और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है चेकिंग के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि इतना टाइम लगता है। ऑलरेडी 6:30। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं चेकिंग करवा के और काफ़ी टाइम हो चुका है, अब पता नहीं लेट्स सी कितना टाइम लगता है। तो यहाँ से चढ़ाई के लिए स्टार्ट हो चुकी है और एक्साइटमेंट तो बहुत है। अब मालूम नहीं कि कितना दूर चढ़ाई करने के बाद थकेंगे हम लोग, तो अभी तो एक्साइटमेंट है। एक बात तो है गाइस, मन लगता रहेगा आपको, क्योंकि जगह जगह पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं एंड भीड़ भाड़ तो है। अब ये नहीं पता कि आगे कितना दूर तक हम लोग एक्साइटेड रहते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी शुरुआत है और हम लोग को रात हो चुकी है। तो देखते हैं कि कितना ये एक्साइटमेंट बरकरार रहता है हमारा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने मम्मी एंड पापा के लिए घोड़े की सवारी करवाई है एंड ये जो घोड़ा है इसका जो रूट होता है वो डिफरेंट है, वो दूसरे रास्ते से जाते हैं और हम लोग क्योंकि हम लोग पैदल जा रहे हैं तो इसलिए मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अर्धकुमारी में वहाँ से उतर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग सबको साथ में चलेंगे, क्योंकि वहाँ से उनका रूट अलग हो जाता है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है आगे। कैसा फीलिंग आ रहा है साहब? जगह जगह पे आपको मसाज करने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग मैगी खा लेंगे, भूख लगी है बहुत तेज। बच्चों के लिए प्रैम्प की भी सुविधा है एंड गाइस मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप डिसाइड किए हैं कि आपको पैदल सवारी करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप पहले ही जो भी हॉर्स राइड करनी है या पालकी लेनी है जो भी लेना आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं, फिर बाद में कुछ नहीं मिलने वाला। और यहाँ पे हम लोग उससे ज्यादा आपको प्रॉब्लम लग रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी आपको।
वीडियो बना दिया उधर भाई, पेट नहीं हुआ तुमको? पेट में कहाँ दर्द होगा, आपको भी ले जाऊंगा। हम तो हो गया भैया। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो भी करना है, आपको जिस चीज़ की भी सवारी करनी है आप पहले ही डिसाइड कर लें, अदरवाइज़ बाद में तो आपको नहीं मिलने वाली, बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे इसलिए मम्मी को पुश किया जा रहा है क्योंकि ऐसे करने से ना चढ़ने में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है, क्योंकि वो चढ़ाई है, ऊँची होती है, तो फिर आपके मतलब मीन्स हिम्मत काम नहीं करती है। मैं सच बताऊँ तो हिम्मत बिल्कुल काम नहीं करती है। एंड यहाँ से हम लोग को दिख रही है वो जो आप देख रहे हैं ना, ये लाइट अब हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं। तो गाय जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो ये है जहाँ पे हम लोग रुकेंगे। एंड यहाँ पे ही मंदिर, मैंने मंदिर के अंदर ही सारी सुविधाएं हैं, आप पहले से ही सब कुछ करके आइए। और ये है एंट्री गेट जहाँ से आप एंटर करते हैं, बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है, बहुत ही। यहाँ की वाइब ही कुछ अलग है, एकदम पॉजिटिव वाइब, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, एकदम बिल्कुल हर चीज़ मतलब मीन्स आपको ऐसा लगेगा कि जितनी भी परेशानी नेगेटिविटी है सब कुछ दूर हो चुकी है, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है मुझे अभी। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए और रात में बहुत लेट हो गई थी तो इसलिए कुछ ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। हम लोग रात के नहीं, सुबह के 4:30 बजे हम पहुँचे, थोड़ा रुक रुक के क्योंकि मम्मी पापा थे, मम्मी पापा ऐसे आधा दूर, तो उसके बाद वहाँ पे उतरना पड़ा था रास्ते में, वो सारा मैं बाद में बताऊँगी। तो अभी हम लोग मंदिर दर्शन के लिए, सो हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिया डी कुमार चैनल, हाउ आर यू, आई होप यू। यहाँ पे सब कोई रेडी हो चुके हैं और हम लोग अभी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं, तो अभी सबसे मिलवाते हैं। सब रेडी हो चुका है, दिखाओ 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 साईबा, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। उसकी आईज में स्वेलिंग हो रखी है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग। चलो लिफ्ट आगे, बहुत दूर मिलता है, अब आ रही है फिर चलो।
तो गाइस यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और एंटर करते ही वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो शॉप जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। और अंदर ऐसे खोल के तो नहीं चढ़ा सकते हैं, आपको पैक भी प्रसाद हर तरह के मिल जाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर से आ चुके हैं पूजा करके और अब हम लोग वैष्णो मंदिर की तरफ जाएंगे जो आप आगे देखेंगे। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग का वैष्णो मंदिर का सफर स्टार्ट होता है। टोटल 11 घोड़े की हैं और मम्मी पापा सबको हम लोग सब चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको आगे आगे। अब देखिए हॉर्स को गाइस, गाइस हॉर्स देखिए अपना आराम कर रहा है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम लोग भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए और वहां पे तो सूट नहीं कर पाएंगे कुछ भी हम लोग, तो मिलती हूँ आपसे आगे। तो यहाँ से अब हम लोग वापस जा रहे हैं। तो ये था वैष्णो माता का सफ़र। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप जब भी मतलब ऊपर चढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी ठंड लगने स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने साथ स्वेटर्स और जो भी आप रख सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सबसे उधार ही लिया था क्योंकि मैं कुछ भी स्वेटर लेकर आई नहीं थी, मुझे लगा था इतनी ठंड तो होगी नहीं, बट एनीवेज बहुत अच्छा था। और हम लोग वापस जा रहे हैं गाइज। हेलो गाइस, हाय गाइस, सो ये था हम लोग का जम्मू का लास्ट ब्लॉग। हम लोग यहाँ पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे। आप लोग अच्छा अच्छा प्यार दीजिए, अच्छा सा प्यार, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इससे अच्छे ब्लॉग नहीं आने वाले, अभी अच्छे ब्लॉग आएंगे आपको। बढ़ बढ़ के प्यार दीजिए। तो मिलते हैं आपसे दिल्ली पहुँच।